नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जलपरी के रहस्यों के बारे में। आज हम जानेंगे जलपरी क्या होती है, जलपरी कहाँ रहती है और कहाँ से आती है और इसका रहस्य क्या है। जलपरी का जिक्र हमें हर देश की पौराणिक कथाओं में देखने को मिलता है, तो क्या हम इस बात से इनकार कर दें कि इसका वजूद कभी था ही नहीं। अब हमारे सामने सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इसका अस्तित्व था ही नहीं तो फिर इसकी कल्पना प्राचीन काल से कैसे की जाती रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज का वजूद नहीं हो वह हमारी कथाओं का हिस्सा हो, या फिर सच्चाई कुछ और है। जलपरी ऐसा जलीय जीव है जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा औरत का और निचला हिस्सा मछली जैसा होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जलपरियां सुरीली धुन में गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती थी, जिससे उनका ध्यान भटक जाता था। उनकी मधुर आवाज को सुनकर मनुष्य समुद्री जहाज से पानी में कूद जाते थे। कई बार पूरा का पूरा जहाज भी समुद्र की तह में समा जाता था। कुछ ऐसी कहानियां भी प्रचलित है जिसमें जलपरियां डूबते हुए इंसानों की मदद करने के प्रयास में उनकी भी जान ले लेती थी, क्योंकि वे उन्हें बचाने के दौरान ये भूल जाती थी कि मनुष्य पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। आइए जानते हैं जलपरियों से जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में। इस कहानी के बारे में कहा जाता है कि ये जलपरियों की पहली कहानी है। असायरियन की रानी अटलांटिस, जो सेमिरमिस की माँ थी, एक चरवाहे से बहुत प्यार करती थी, पर ना चाहते हुए भी उसे अपने प्रेमी को मौत के घाट उतारना पड़ा। इस बात से वह इतनी शर्मिंदा हो गई थी कि उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, लेकिन जल भी उसकी खूबसूरती को छिपा नहीं पाया और इस कारण उसका आधा शरीर पहले जैसा ही रह गया, जबकि शरीर के नीचे का हिस्सा मछली की तरह हो गया। ये ग्रीक की सबसे पुरानी कथा थी जो लोगों के